हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू विल बी डेफिनेटली 101% फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द रूल 5th ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन द रूल 5th ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो रूल हमारे पास में 5th क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल का? तो देखिए स्टूडेंट, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में इस प्रकार का बनना हो, 1/f(b) (1/f(d) और यहां पर स्टूडेंट्स जैसे x^n साइन ए एक्स हो या 1/f(b) x^n कॉस ए एक्स हो, इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल। और तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, देखिए इसे बनाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और देखिए e^iax=cos ax + isin ax, ये होगा। तो हम क्या कर ले, अगर जैसे x^n (e^iax) हम cos ax + isin ax / f(d) लिखेंगे। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिख लिया, x^n ये जो लिखा है ये लिख दिया साइन एक्स या कॉस एक्स, मैंने इसमें दोनों लिख दिया। यहां क्या कर दिया, x^n(e^iax)/f(d). अब ये स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास में कौन सा टाइप आ गया, ये हमारे पास में फोर्थ टाइप आ गया। फोर्थ टाइप क्या था, e^ax (φ(x)/f(d). तो देखे ये φ(x) है, ये e^iax, तो इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था। तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, e^ax (1/d) को रिप्लेस करते थे d + a से φ(x) ऐसे, और फिर इसका वर्ग खत्म हो जाता था। तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए e^iax, चलो हम ऐसे 1/f(x) का कोफिशिएंट ia, तो d को रिप्लेस करेंगे d + ia से, रिप्लेस कर दिया। और x^n(e^iax), ये फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस कर दिया, फोर्थ टाइप अप्लाई कर दिया। और फोर्थ टाइप अप्लाई करने के बाद ये x^n और cos ax हमारे पास में क्या है, cos ax है, ये cos ax + isin ax पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, x^n cos ax / f(d) + ia,
इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे, प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करूं, x टू द पावर n साइन ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी प्लस आई ए इनटू आई, ये वाला आयोटा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखें स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस पूरे का निकला है, अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाहता हूं ये वाला। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप का हो, इस टाइप का हो, ये तो देखें, इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में से अगर मैं ये इमेजिनरी पार्ट ले लूं, क्या ले लूं, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i a x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i a x इंटू वन अपॉन f ऑफ d प्लस i a इंटू x टू द पावर n। तो हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट किसका, e टू द पावर आई एक्स का, ये है। तो हम इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे इसका, तो हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का निकल आएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमारे पास में इस पर टाइप का है, तो देखिए हमें ये रियल पार्ट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रियल पार्ट। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ए एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस आई ए एक्स पावर एन, मतलब इस पूरे का रियल पार्ट ये है और इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट ये है। तो रियल पार्ट ये है, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर इस फॉर्म का हो तो इमेजिनरी पार्ट आएगा किसका, एक्स टू पावर एन ई टू पावर आई एक्स अपॉन एफ ऑफ डी का, एफ ऑफ डी इसका स्टूडेंट्स, इसका ही तो इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है। और ये हमारे पास में इंटीग्रल निकाल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन लेते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से निकालेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू पावर एन कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू पावर एन ई टू पावर आई ए एक्स लिख सकते हैं, इसके लिए आई ए एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल ई टू पावर आई ए एक्स इंटू वन अपॉन, अगर ये फोर्थ टाइप का है तो डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए एक्स ए सी, तो ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आई ए, आई ए से रिप्लेस कर देंगे एक्स टू पावर एन। पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर इस टाइप का हो तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका, इमेजिनरी पार्ट है। और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का हो तो इमेजिनरी, तो हमारे पास में इस टाइप का हो
तो ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस इनटू दिस, इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसके लिए। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एस डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन बाय इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इज एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसके स्थान पर एम डी के स्थान, इसमें डी के स्थान पर एम पुट कर दिया और जो आया उसे जीरो पुट कर दिया। ये क्या है, एम माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम माइनस वन, एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू वन और वन दो रूट्स आ गए। तो इसकी स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू की पावर एम एक्स होता है, एम की वैल्यू है वन, वन एक्स, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं एक्स, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, माइक बात कर रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में किस टाइप का है स्टूडेंट्स, इस टाइप का है, इस टाइप का इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई ए एक्स। यहां पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये ई टू द पावर आई एक्स बनेगा, e टू दी पावर, ये जैसे e टू दी पावर आई एक्स क्या होता था, कॉस एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो e टू दी पावर आई एक्स का फॉर्मूला है ये। तो e टू दी पावर आई एक्स में अगर हम क्या करें, इमेजिनरी पार्ट लें, तो हमारे पास में ये पार्ट निकल करके आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर, हमने स्टूडेंट्स ई टू दी पावर आई एक्स क्यों देखा, क्योंकि हमारे पास में यहां पर क्या है, क्वेश्चन में एक्स है, एक्स का कोफिशियंट है वन, एक्स का कोफिशियंट वन है, यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स ई टू दी पावर आई, ए की जगह वन रख दें, वन इंटू एक्स एक्स। तो जब ई टू दावर आई एक्स था तो ई टू दावर आई एक्स में इमेजिनरी पार्ट था, और जब ई टू दावर आई एक्स है तो e टू दी पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट हुआ, e टू दी पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस आई एक्स टू दी पावर एन, यहां पर एक्स टू दी पावर कितना है वन, तो एक्स ये हमने हटा दिया, ये हो गया। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी, डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन,
डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ये एक्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन, ये हमारे पास में पहले इतना पार्ट, ये किस तरीके का फोर्थ टाइप आ रहा है e टू द पावर ए एक्स फाइव एक्स अपॉन एफ ऑफ टी, और फाइव एक्स क्या है, फाइव एक्स है या तो साइन ए एक्स हो सकता है या कॉस ए एक्स हो सकता है या एफ टू और एन हो सकता है अपॉन एफ ऑफ टी। तो हमारे पास में ये टाइप आ रहा है, तो क्या करते हैं इसमें b को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। तो हमारे पास में यहां d को रिप्लेस करेंगे d प्लस i से। a क्या था, कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x इज i, d प्लस i से रिप्लेस करा d को, स्क्वायर माइनस 2 d प्लस i प्लस वन इंटू एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू पावर आई एक्स टू वन अपॉन, इसे ओपन कर ले, डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस टू डी आई माइनस टू डी माइनस टू आई प्लस वन एक्स। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका, इसे सिंप्लीफाई करते हैं ई टू द्वारा आई एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस वन प्लस टू डी आई माइनस टू डी माइनस टू आई प्लस वन और एक्स। इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल आउट हुआ, आगे सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी आई प्लस इसमें से टू डी आई माइनस टू डी माइनस टू आई, ये एक्स, ये आ रहा है एक्स। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा, वीडियो चल रही है सही प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स सब कुछ ओके चल रहा है, क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ नरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स वन अपॉन, इस पूरे में से
टू माइनस टू आई कॉमन ले लिया, माइनस टू आई क्या बचा है स्टूडेंट्स, ये वन बचा प्लस का। प्लस माइनस का कॉमन लिया तो माइनस माइनस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर, क्योंकि यहां तो डी स्क्वायर है तो टू आई से मल्टीप्लाई और टू आई से डिवाइड डी स्क्वायर, ये टू आई कॉमन ले लिया, या ऐसा करके समझे माइनस टू आई से मल्टीप्लाई माइनस टू आई से डिवाइड, माइनस टू आई कॉमन ले लिया, ये बचा डी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन माइनस टू आई, ये माइनस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर हो गया हमारे पास में। ये इसमें से टू आई कॉमन ले लेंगे तो माइनस डी बचेगा, और यहां से हमने क्या कर लिया, टू डी है माइनस टू आई डी अपॉन आई, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिया तो माइनस टू आई कॉमन, तो हमारे पास में डी अपॉन आई बचा, क्या बचा डी अपॉन आई, इसमें क्या बचा हमारे पास में स्टूडेंट प्लस डी अपॉन आई, ये बचा इन टू एफ। आगे चलते हैं देख लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। माइनस टू आई कॉमन डी वन बचा यहाँ पर, माइनस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर, टू आई कॉमन माइनस डी, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस टू आई कॉमन टू डी आई डी अपॉन आई सही बचा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स वन अपॉन माइनस टू आई, इसे देखें स्टूडेंट्स आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिया तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन, तो ये हमारे पास में वन प्लस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर हो गया, माइनस डी आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, डी अपॉन आई है डी आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो आई डी अपॉन आई स्क्वायर हो गया माइनस आई डी हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस आई डी ये हुआ। अब स्टूडेंट्स इसे कैसे लिखा जा सकता है इन टू एक्स, आगे देखते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, कंफ्यूज ना होइएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स इन टू वन अपॉन माइनस टू आई, ये वाला लिख लिया वन अपॉन माइनस टू आई, और इस पूरे को न्यूमरेटर में ले आया, वन इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेने पर ये डी प्लस का बचेगा, आई डी प्लस का बचेगा, और ये माइनस का बचेगा, पावर होल पावर क्या हो जाएगी माइनस वन एक्स ये वाला, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स इनटू वन अपॉन माइनस टू आई। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में किस टाइप का हो गया,
ये हमारे पास में थर्ड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप क्या था, वन अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी एक्स टू द पावर एन। तो क्या करते थे, एफ ऑफ डी टू द पावर माइनस वन और एक्स टू द पावर एन, इसे एक्सपेंड करते थे। एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता था वन माइनस एक्स टू द होल पावर माइनस वन, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, वन माइनस इस पूरे को एक्स मान लेते हैं, क्या मान ले एक्स, वन प्लस एक्स, एक्स इस पूरे को माना डी प्लस आई डी माइनस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखें आगे स्टूडेंट चलते हैं, आगे टर्म नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी अभी दिखाई देगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स वन अपॉन माइनस टू आई एक्स से मल्टीप्लाई करो, वन से मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस डी एक्स प्लस आई डी एक्स माइनस वन अपॉन टू आई डी स्क्वायर एक्स प्लस आगे की टर्म। स्टूडेंट्स सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि तो आगे की टर्म में डी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर डी क्यूब आएगा। और देखिए डी स्क्वायर एक्स डी डी एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो ये जीरो आ जाएगा। तो आगे की टर्म सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन माइनस टू आई एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन डी के, डी ओवर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, डी का मतलब डी ओवर डी एक्स, तो ये वन हो गया प्लस आई हो गया, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू वन हो गई, वन इंटू आई आई हो गया, और डी स्क्वायर एक्स सब जीरो हो गया। ये अब इसे स्टूडेंट्स क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन मैंने यहां लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू माइक पर कर रहा, माइक पर कर रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, ई टू द पावर आई एक्स क्या है हमारे पास में, कॉस ए एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ई टू द पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन माइनस टू आई। या ऐसा करें, चलो एक्स प्लस वन प्लस आई, एक्स प्लस वन प्लस आई, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ, नरी पार्ट ऑफ इसके मल्टीप्लीकेशन, इसमें मैं क्या कर दूं, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे माइनस वन अपॉन टू आई है, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो ये माइनस आई अपॉन टू आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस टू और ये i अपॉन टू हो गई, तो i अपॉन टू लिख दूं इसको, i अपॉन टू हो गई। और इस i अपॉन टू की मल्टीप्लीकेशन करूं,
इससे या इससे मल्टीप्लाई कर दूं, आई अपॉन टू एक्स प्लस आई अपॉन टू प्लस आई स्क्वायर अपॉन टू, और इस आई स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर दे तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ नरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई करो कॉस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो। तो इसे स्टूडेंट्स चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वन की इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आई, ये इन टू का साइन होगा। अब देखिए cos x की मल्टीप्लाई अगर मैं i sin x की मल्टीप्लाई इससे करूं, i sin x की मल्टीप्लाई चलो पूरी ही कर देता हूं, i अपॉन टू x प्लस वन cos x, cos x की मल्टीप्लीकेशन इससे की, तो i अपॉन टू x प्लस वन cos x, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करूं माइनस वन अपॉन टू cos x, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करूं प्लस i स्क्वायर अपॉन टू, और i स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर दूं तो ये माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे हो गई। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करो माइनस वन अपॉन टू आई साइन एक्स। अब इसमें स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ले लो, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आया, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन कॉस एक्स, आई का कोफिशियंट इमेजिनरी पार्ट होगा, यहां आई का कोफिशियंट माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स है, साइन एक्स। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल गया, देख लेता हूं कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, वन अपॉन टू कॉस एक्स एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स, ये स्टूडेंट्स सॉल्व हो गया है। अब मैं क्या कर देता हूं, सोल्यूशन लिख देता हूं। सोल्यूशन क्या आता है देखते हैं, सोल्यूशन y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन होता है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला, c1 प्लस c2 x e टू द पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू x प्लस वन एक्स प्लस वन कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स, माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स, ये वाला पार्ट ये है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर स्टूडेंट्स ये सलूशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं है, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। और स्टूडेंट्स कमेंट्स में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट्स द्वारा बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।